मार देगा टाइट से, झटका लगेगा। कैसा लगा फायर करके? ओके भालू का, ओके ये देखो गाइस भालू का दांत है एक। तो ये है लोकल हनी। एंड प्राइस कितना है इसका? हाउ मच? The smaller is 300 and the bigger. How much? 800. 800. Yes, this one is 300 and 300. Yes. Okay. So ये देखो ये 300 का local organic honey है and ये है 800 का only honey. And what is this? Same. How much? This is not for sale. Just for a show. Okay. This is not for sale. Okay. यहाँ पे भी honey देखो. Thank you. एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना भी सारा चीज़ दिख रहा है सारा हैंडमेड है ना, हाथों से बनाया है। एंड यहाँ पे देखो हॉर्नबिल, ये भी वुडन है क्या? इसका कितना प्राइस है? इसका 5000। एंड ये सब का ओके, ये देखो इसका 200 है। ओके ये देखो भाई हॉट केस, हैंडमेड है क्या? हाथों से बनाया है। ओके और क्या क्या है आपके पास में? ओके ये इसका कितना प्राइस है? किमान हुए दाम 2500। अच्छा और यहाँ पे देखो क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये बेम्बू का है क्या? ओके पानी के लिए, ये देखो ये बेम्बू का है। इसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 800 700। ये भी किसी सब्जी का है। ये देखो भाई सारा चीज़ यहाँ पे जो भी दिख रहा है वुडन है या फिर कोई सब्जी का कवर है। एंड ये देखो ये तो लाव का है ना, ये देखो लाव का, ये सुखा के बनाया गया है, इसको काफ़ी मस्त लग रहा है। इसका प्राइस कितना है? 1500। अच्छा ओके यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस, ये देखो 700। ओके हाँ तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने कोन्याक भाई है, आप भी कोन्याक है ना? हाँ। एंड भाई का यहाँ पे स्टॉल्स भी है, दिखाते हैं भाई और भाई बताएंगे अभी क्या क्या है कोन्याक ट्राइब का, है ना? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मल्लवे। आपका मतलब चलो अभी भाई दिखाएंगे कोन्याक ट्राइब का यहाँ पे जो भी अटायर है, नेकलेस है, सब कुछ। एक एक नाम बताना क्या क्या है ये सब। इसको क्या बोलते हैं? ये मिथुन का है ना, और ये जींस का है। ओके प्राइस भी बता देना, यहाँ पे कितने का मिल रहा है? ये 2000 का है। 2000 का है ओके। और ये लेडीज का नेकलेस है ना, ये और 2500 में बेचता जाता है। ओके डिस्काउंट तो होगा, नेगोशिएबल है भाई, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा भाइयों के यहाँ पे। डिस्काउंट भी जरूर मिलेगा। हाँ 1 तारीख से 10 तारीख तक यहाँ पे आ जाना। बहुत है ये, देख लीजिए। ये देखो ये हेड अंडर्स का माला वगैरह है। ये प्राइस कितना है इसका? 2500 होगा ये, 2500। बहुत कम है यार, सस्ता में मिल रहा है, ले जा भी सकते हो आप लोग। हाँ एंड यहाँ पे देखो ये दांत वगैरह, ये क्या का दांत होगा वैसे? ये ओरिजिनल है, जंगल का, जानवर का है, जंगल का ना। ये ओरिजिनल है, बियर जो होता है ना भालू का। हाँ भालू। ओके ये देखो गाइस भालू का दांत है एकदम ओरिजिनल। इसका प्राइस कितना होगा इसका? हाँ कहने से ये 1000 रुपये। ओके काफी सस्ता है यार, कोन्याक ट्राइब का सामान बेस्ट है यहाँ पे। मोंकी का है क्या? कोन्याक का ये पुराने वाले हेड हंटर्स जो है ना, वो लोग उसकी मेमोरी से बनाया जाता है ये। अच्छा हेड हंटर्स ने मतलब जो काट के लाते थे उसके मेमोरीज में। ओके एंड ये क्या बैग है क्या? वुडन है क्या? बास्केट है, बास्केट लेके चलने के लिए सामान वामान। पुराने जमाने में वो लोग पहनता था ना, इसलिए। अच्छा काट का है ना ये, यहाँ पर सकता है सामान भी दिखाना है। कितना स्पेस है इस पे? स्पेस ज्यादा नहीं है। अच्छा इसमें एक्चुअली लेके क्या चलते थे, मतलब क्या सामान लेते थे इसमें? ये इसमें गोली वगैरह। ओके ये गन है ना। अच्छा आपका गन भी है ना। ओके दिखाना एक बार, उठाना एक बार। ये देखो कोन्याक ट्राइब के पास तो गन होता है, गन देख लो आप कोन्याक ट्राइब समझ जाना, हॉर्नबिल पे मार देगा। ये यहाँ पे जो है लाइक बारूद भी आप लोग खुद ही बनाते हो ना बैटरी के, उससे खुद बनाते हैं। हाँ कोन्याक ट्राइब मैंने बनाया है इसको। हाँ कोन्याक ट्राइब भाई बहुत ही खतरनाक एकदम वॉरियर्स है, और ये गन जो है ये खुद ही बनाते हैं, देखो एक बार दिखाना। एंड इसका जो गोली होता है वो भी ये खुद ही बनाते हैं अपने घर पे, और शिकार करते हैं ना इसको, शिकार में यूज करते हैं ना। ये सिर्फ 20,000 का है। हाँ 20,000 का। 20,000 का ओके। हम खरीद सकते हैं क्या इसको? खरीद सकते हैं आप। पैसे है तो आप जरूर ओके 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 ओके। ये देखो भाई खरीद भी सकते हैं आप लोग यहाँ पे, 20,000 दो और ये ले जाओ। तो इसका गोली कहाँ मिलेगा फिर? गोली तो खुद बना सकता है, तो जो लोग नहीं बना सकते वो लोग कहाँ से लेगा? बनाना पड़ता है, अच्छा बेरिंग होता है ना छोटा छोटा वो। इसमें दूसरा गोली वगैरह नहीं चलेगा लाइक अलग कोई? ये तो खुद अच्छा आप लोग ही बना सकते हो ना? खुशी है। ओके ओके चलो ठीक है। हाँ हाँ है ना, हाँ वो काट के बनाना पड़ता है। अच्छा ये देखो कुछ चीज में काफी बढ़िया लग रहा है। और क्या क्या दिखाओ अंदर? हेलो अभी आप बताएंगे क्या क्या? अच्छा ये सब बताओ क्या क्या चीजें बता दो, कहाँ पे क्या पहनते हैं इसको है ना? ये वाला चूड़ी है ना? हाँ ये वाला ऐसा पहनता है। अच्छा हाथ में लेडीज पे लड़के पहनते हैं क्या? लड़का लड़की नहीं है, सब पहनता है। अच्छा अच्छा ओके 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 सब पहनते हैं ना। हाँ। और ये बढ़िया सा नेकलेस है इसमें। अच्छा ये सारा नेकलेस ये कहाँ लगाते हैं? सजाने के लिए है क्या? नहीं यहाँ एक्चुअली यहाँ लगाता है। ओके अच्छा ये पहनने का ही है ना? हाँ। एक बार दिखाना, ये काट का है क्या? लकड़ी का। हाँ ये देखो ये लकड़ी का है पर ये बहुत पुराना है। अच्छा बहुत पुराने जमाने में बनाया हुआ है क्या? पुराना जमाने का है। अच्छा 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 हैंडमेड होगा पूरा? हैंडमेड है। काफी देखो यार काफी सुंदर है, हैंडमेड है वो भी, हाथों से बनाया गया कारीगरी, क्या बात है यार। ओके चलो भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया से बताया। कोन्याक ट्राइब का है ये सारा कुछ, आप लोग आगे ले सकते हो यहाँ पे स्टॉल्स। अच्छा यहाँ पे देखो एम्पोरियम, यहाँ पे आ जाना कुछ लेना है तो। थैंक यू सो मच चलो बाय बाय। नागा ट्राइब ओके, कौन से ट्राइब का ये वाला है? ये बीच वाला फॉर्म ओके, और ये वाला ओके। अच्छा सबका अलग अलग है ना? ये देखो एंड यहाँ पे इसका प्राइस कितना होगा? 3,000 का हॉर्नबिल, देखो काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे देखो और एक स्टॉल में आ गए, यहाँ पे काफ़ी सारा नेकलेस है सारा कुछ। एंड यहाँ पे देखो अंकल जी इनका ही है एंड अभी ये बताएंगे यहाँ पे क्या क्या है। देखो ये सारा नेकलेस है एंड विच ट्राइब यूज दिस नेकलेस? कॉमन ओके। यू नो हिंदी? थोड़ा थोड़ा। तो हिंदी में बात करें? चलिए थोड़ा थोड़ा बताइए। ये जो है ये भी हड्डी है क्या? हड्डी है ये। अच्छा और ये भी बुफेलो को। हाँ ये क्या का है बता दीजिएगा? बुफेलो को बोन्स, बफेलो बोन्स ओके। एंड देखो यहाँ पे ये सारा जो भी है बेम्बू का है। यस यस बेम्बू। हॉर्नबिल कप ओके, दिस इज हॉर्नबिल कप एंड प्राइस इसका 500 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। Yeah, it's 500 one pair and this is 600 and price सारा लिखा हुआ है इधर and different आपको necklace देखने को मिल जाएगा। ये देखो and how bracelet okay like India flag okay ये देखो India flag के shape में like बना रखा है and necklace ये सब bracelet है and ये सारा necklace है। And how much for this Angami? अंगामी नेकलेस 500 ओके। ये देखो ये 500 का है, अंगामी ट्राइब पहनते हैं ना ओके। और अच्छा आप बताना ये कौन से ट्राइब्स लोग यूज़ करते हैं? 1500 ओके। आवलोथा ओके, दिस इज चकसान नेकलेस एंड व्हाट इज दिस? स्पेयर या ओके ओके, इट्स फॉर डेकोरेशन ओके। ये देखो हाउ मच? 400 ओके। ये देखो ये 400 का है डेकोरेशन के लिए, मतलब सारा चीज़ यहाँ पे आप मतलब खरीद सकते हो, ये सब है ना खरीद सकते हैं ना ये सारा चीज़। तो 1 तारीख से 10 तारीख तक रहेगा यहाँ पे ये स्टॉल एंड आप लोग आके ले जाना यहाँ से जो भी चाहिए। थैंक यू सो मच ओके बाय बाय। एंड यहाँ पे देखो ये नागा ट्राइब के लोग यूज़ करते हैं कुछ ऐसे बर्तन, लाइक ये पुराने टाइम में यूज़ करते होंगे ना ऐसा बर्तन। हेलो व्हाट्स योर नेम? ओमिन होमी ओके हेलो। तो दिस इज योर स्टॉल, क्या क्या है आपके पास में? कुकिंग यूटेंसिल्स Yes. Okay. Utensil and cooking. Every Naga tribe use this utensils. Yeah. Yeah? Sure. Okay. So this is ये सारा है different. Which material used in these utensils? Stone and clay. Okay, stone and clay. Yes. अच्छा ये देखो स्टोन एंड क्ले से बना हुआ ये सारा बर्तन काफी मस्त है भाई देखो। ओके थैंक यू। यहाँ भी देखो गाइस ये सारा जो भी दिख रहा है चाकू वगैरह एंड लाइक खुकड़ी के जैसा भी है एंड पुराने टाइम के नागा लोग यूज करते थे एंड डिस्काउंट भी हो जाएगा ना थोड़ा। यहाँ पे देखो प्राइस सभी का प्राइस लिखा हुआ है। यहाँ ये 1200 का है एंड 1200। ओके तो ये देखो आप लोग आगे खरीद सकते हो यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। ये नागा दाव देखो यहाँ का लोकल नागा दाव एंड ये भी डिफरेंट टाइप का होता है लाइक ये मीट काटने के लिए ये फिर अलग काम के लिए कुछ ऐसा यूज़ करते थे ये लोग। ये देखो ओके थैंक यू। ओके काफ़ी देखो बढ़िया लग रहा है बेम्बू का कप। हाउ मच फॉर दिस वन पीस? 350। ओके एंड ये देखो सारा कुछ ये क्या ये भी बेम्बू का है। ये देखो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ है बेम्बू का ये सारा कुछ एंड ये सारा क्या है वुड। ओके ये भी बेम्बू का है देखो। ओके यहाँ पे जितना है सारा कुछ बेम्बू का। ओके ये देखो ये ट्रे है ये भी बेम्बू का। भाई सच में शॉकिंग है यार सभी चीज़ बेम्बू का ये भी बेम्बू का। ओ भाई तो गाइस स्टॉल विजिट करके आ गए हैं अभी चलो मोरुंग की साइड चलते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो भाई बहुत देर के बाद अपना पीयूष भाई भी मिल गया है और ये तो पूरा वीडियो बना लिया भाई अपना फुल मजा आ रहा है भाई साहब हु। लेकिन अभी यहाँ के ट्रैवल लोग चले गए यार तो मेरे को मिला नहीं ट्रैवल लोग अभी कल ही होगा है कि नहीं भैया चले गए ना यहाँ के अभी लोग फिर कल आएंगे क्या करे अमन को हुआ करने के लिए। हाँ यार करने का मन था बहुत। अभी तो फायरिंग वायरिंग हो रहा है देखो खतरनाक दबा के गन चला रहे भाई लोग दिखाते है कौन गन चला रहे यहाँ पे। भाई आप यहाँ पे गन फायरिंग कर सकते हो देखो यहाँ पे गोलियां वोलियां भर रहे हैं पर शॉट 100 रुपीज़। ये देखो आप देखना भाई झटका मिलेगा तगड़ा का टाइट से झटका लगेगा। तो भाई देखो अभी यहाँ पे फायरिंग होने वाला है देखो खतरनाक। ओ इसमें ज्यादा दम नहीं था छोटा बंदूक था। आप ये देख रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। 3, 2, 1 गो। ओ कैसा लगा फायर करके? बढ़िया है ना? तो आप लोग भी 100 रुपीज़ में ऐसा फायरिंग कर सकते हो एक शॉट। अभी आ गए हम लोग मोरुंग के बाहर में और ये देखो ये है फॉर्म मोरुंग एंड कुछ ऐसा है मोरुंग एंड मोरुंग के अंदर अभी बजा रहे हैं ढोल। तो चलो आपको भी दिखाते हैं कैसे ढोल बजाते हैं यहाँ पे एंड ये ढोल कब बजाते हैं जब लाइक गांव पे एनिमी वगैरह आ जाते हैं ना या फिर कुछ सिग्नल देना होता है तब इसको बजाते हैं। एंड भाई ये देखो अभी हम लोग कोन्याक नागा ट्राइब के मोरुंग के बाहर एंड अंदर से दिखाता हूँ कैसा है मोरुंग। ये देखो मोरुंग के अंदर कुछ ऐसे आग वाग जला के लोग बैठे हुए हैं। तो चलो भाई अभी लोक ड्रम बजाते हैं यहाँ पे। ये है लोक ड्रम जो कि लाइक एक ढोल की तरह है एंड जो गांव के लोग जो है कुछ सिग्नल देने के लिए लाइक इसको बजाते हैं लाइक अगर गांव पे एनिमी वगैरह आ जाते हैं ना तब इसको बजाते हैं। ये देखो इसको बजा के पूरा इसका गायब हो चुका है एंड ये देखो इसका ये जो है इससे बजाया जाता है। चलो हम भी बजाते हैं भाई। ये देखो कुछ इसको इस तरह से बजाया जाता है। तो भाई अभी हो चुके हैं शाम और अंधेरे हो चुके हैं एंड अभी फील्ड पे पूरा का पूरा नीचे तैयारी हो रहा है। क्या बोलते हैं भाई? भाई बहुत मजा आएगा और सच बताऊं तो भाई लेट ही हम इसीलिए आए थे क्योंकि भाई रात का व्यू देखना था, रात का जो सेलिब्रेशन है वो देखना था भाई। हाँ भाई, इसलिए हम रात में आए क्योंकि हम दिन में नहीं आए आज, इसलिए रात में आए क्योंकि पूरा रात का हम जो भी फंक्शन होता है वो अटेंड करेंगे। चलो अभी चलते हैं।